बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट सोशल मीडिया के ऊपर, खासकर सऊदी अरब के सोशल मीडिया के ऊपर एक न्यूज गर्दश कर रखी है कि सऊदी अरेबिया ने तमाम तर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। बंद तो पहले से हैं जी, लेकिन कैसे भी तमाम तर गैर मुल्की भाई ना यहाँ से अपने वतन में वापस जा सकते हैं, या वो वहां पर बैठे हुए ना ही वो यहाँ पर अभी आ सकते हैं, और डेट वगैरह भी कुछ नहीं दी गई है। मुकम्मल तौर पर बंदरगाह, जमीनी रस्ते वगैरह तमाम तक एयरलाइंस वगैरह बैन कर दी हैं सऊदी अरेबिया ने। सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दश कर रखी है। यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको वो दिखा भी रखा हूं। अल सऊदी अल यौम के नाम से ये पेज बनाया हुआ किसी बंदे ने, इसने लिखा हुआ है कि 10:30 बजे से आज यानी कि रात, तो ये तमाम तर इसके ऊपर हुक्म जारी कर दिया गया है, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ना कोई बंदा भी छुट्टी जा सकता है, जो दो वैक्सीन वाले वहां से आ रखे हैं वो भी अभी नहीं आ सकेंगे, ऐसा है वैसा है। तो कुछ बंदे भाई इस चीज को लेकर परेशान हो रखे थे, मुझे भी कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, तो मैं अभी सोचा आपके साथ इसके मुताबिक न्यूज शेयर कर दूं। पहले तो भाई ये अल सऊदिया अल यौम के नाम से, ये कोई ट्विटर अकाउंट भाई कोई भी ऐसे नाम से अपने बना सकता है, इस बंदे ने ये फेक न्यूज लगाई है। ये न्यूज कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। आप सऊदी अरेबिया से अभी भी छुट्टी जा सकते हैं, ये मैं आपको यहीं पर क्लियर करता चलूं। आप सऊदी अरेबिया में अभी भी आ सकते हैं, दोनों वैक्सीन अगर यहां से लगवाई हुई है या वाई के थ्रू आप आना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको कुछ वीडियोज में बता चुका हूं। आप अगर भाई दुबई के थ्रू, अभी बेस्ट दुबई है, दुबई चल रहा है, आप दुबई के थ्रू सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, 14 दिन से ज्यादा का टाइम है आपको दुबई में गुजारना होगा, बस आप दुबई के थ्रू भी सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये एक फेक न्यूज है, बिल्कुल फेक न्यूज है, इसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई है ही नहीं। लेकिन फ्लैट्स के मुतल्लिक, ओपनिंग के मुतल्लिक कोई भी बंदा अगर आपसे कोई भी डेट बोल रहा है आपको, तो वो भी झूठ समझिएगा। सबसे पहले वजारत दाखिले की तरफ से ऐलान किया जाएगा, उसके बाद ही हम जैसे भाई जो बंदे आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई ये न्यूज कहां से निकली? ये न्यूज वहां से निकली जब अभा एयरपोर्ट के ऊपर कुछ मसले मसाइल बने थे हौसी बागियों को लेकर, उसके उस टाइम ये ऐसी न्यूज गर्दश में आई थी कि आज रात 10:30 बजे से अभा एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी ना आ सकता है, ना यहां से सफर कर सकता है जी, ना के सऊदी अरेबिया से। ये फेक न्यूज होती है जी, ऐसे अपनी तरफ से बनाकर फेसबुक अकाउंट्स के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर या ट्विटर अकाउंट्स वगैरह के ऊपर भाई लोग लगाते रहते हैं अपने आप को लाइक्स वगैरह, अपने लाइक्स वगैरह बढ़ाने के लिए। इनमें कोई किसी किस्म की सच्चाई नहीं होती। आप खुद से ट्विटर अकाउंट पर जाकर जवाबात प्लस वजारत दाखिलिया खातिया वगैरह लाइक कर सकते हैं, उनकी लेटेस्ट अपडेट भाई आप खुद से भी चेक कर सकते हैं।